नेक्स्ट 13 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। जब यहाँ पूछा हुआ है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर इज अ असेंबलेंस ऑफ फैमिलीज इन विच विच एग्जीब्यूट्स अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स इन कंपेरिजन टू फैमिलीज। अगर हम यहाँ पर हायरकी की बात करें तो हायरकी के अंदर यहाँ किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अब यहाँ ऑर्डर को पूछा हुआ है, ऑर्डर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो पूछा हुआ है कि ऑर्डर जो होता है किसका असेंबलेंस है। यस, ऑर्डर किसका असेंबलेंस है? फैमिली का असेंबलेंस है। ऑर्डर इज द असेंबलेंस ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट रखता है फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स इन कंपेरिजन टू फैमिलीज। जैसे जैसे आप टेक्सोनॉमिकल हायरकी में हम नीचे आते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। ऊपर जाओगे फैमिली के कंपेयर में सिमिलर कैरेक्टर ऑर्डर के पास क्या होंगे? ऑर्डर के पास क्या होंगे? कम होंगे। तो यहाँ लिखी हुई इंफॉर्मेशन क्या है? राइट है। इसके बाद बात करें कॉनवॉल्वुलेसी एंड सोलनेसी फैमिलीज आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर। पॉलीमोनियल्स पॉलीमोनियल्स मेनली ऑन द बेस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स। यस, जो कॉनवॉल्वुलेसी है और जो सोलनेसी है दोनों फैमिलीज को एक ऑर्डर के अंदर इंक्लूड किया हुआ है जो कि है पॉलीमोनियल। और किसके ऊपर बेस है? वो फ्लोरल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस है। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन भी क्या है? राइट। इन हायरकी बोथ ब्रॉड कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज आर यूज्ड। यस, हायरकी की हम बात करें तो हायरकी के अंदर जो ब्रॉड कैटेगरीज है जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी है, इनका भी यूज किया हुआ है और सब कैटेगरीज का यूज भी किया हुआ है। इसे सब क्लास हो गया, इनका भी यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर ये भी ट्रू है। बात करें क्लास इज अ सब कैटेगरी विच इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। अगर हम बात करें क्लास एक सब कैटेगरी नहीं है, ये अपने आप में एक ब्रॉड कैटेगरी है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। और हमसे क्या पूछा है? नोट अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? राइट। तो 13 का आंसर होगा डी।